हाय गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल बी फिट टुगेदर। आज मैं आपके लिए बहुत ही यमी सा और हेल्दी रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि कच्चे केले से बना हुआ है, जो कि बहुत ही क्रिस्पी एंड डिलीशियस है, जो इवनिंग स्नैक्स के लिए बहुत ही अच्छा है। तो हमें इसके लिए कच्चे केले चाहिए, 4 से 5 कच्चे केले ले लें। प्रेशर कुकर में 3 से 4 सीटियाँ दे के इसे बॉयल कर लें, फिर ठंडा होने के बाद इसे छील लें और मैश कर लें। मैशर के हेल्प से या फॉक के हेल्प से कर सकते हैं। मैश हो जाए तो फिर उसके अंदर 1 प्याज को कट करके डालें, 2 हरी मिर्च को कट करके डालें और उसमें से बीज निकाल दें। फिर सॉल्ट डालें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, लाल मिर्च पाउडर डालें, आप चाहे तो अदरक के भी छोटे छोटे टुकड़े करके डाल सकते हैं। इसके अंदर हम बेसन मिक्स करेंगे। यस, बेसन भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, 4 से 5 टेबलस्पून आप बेसन डालें और इसको अब मिक्स कर ले। आप चाहे तो हाथ से भी इसे आटे की तरह गूंद सकते हैं। ये देखिए गूंद जाएगा, इसे पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे गूंथे हुए आटे से हमें बॉल्स बनाना है। ये देखिए मैंने बॉल्स बना लिए हैं। अब इसको चाहे तो आप बेक करें, डीप फ्राई करें या फिर शैलो फ्राई करें। मैं इसे अपर मेकर में बना रही हूँ, तो मैंने उसके अंदर ऑयल डाल दिया है और उसके ऊपर अपने जो बॉल्स है उसको इसके ऊपर डाल रही हूँ। और देखिए इस तरह से जितने मेरे 12 बॉल्स इससे बने हैं मेरे, तो 12 बॉल्स को मैंने इस अप्पा मेकर में डाल दिया है और इसको फिर मैं लो से मीडियम फ्लेम पे गैस पे पकाऊंगी। बहुत ही हेल्दी स्नैक्स है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा गुड सोर्स है कार्ब का और हम इसे बहुत ज़्यादा ऑयल में भी नहीं बना रहे हैं। अब सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा हम ऑयल डाल देंगे और ढक के इसे लो से मीडियम फ्लेम में पकाएंगे और बीच बीच में ढक्कन हटा के इसे पलटते भी रहेंगे, और ताकि वो दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए और क्रिस्पी भी हो जाए। इस तरह से इसमें बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही जल्दी बन जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी पका हुआ है। हमें इसके ऊपर के पार्ट को बस क्रिस्प करना होता है। आप अगर इसे डीप फ्राई करते हैं तो ये और जल्दी हो जाता है, बट अगर लिटिल बिट हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इसी तरह से बनाए, बेक कर ले या फिर इस तरह से शैलो फ्राई करें। टेस्ट में बहुत अंतर नहीं आता और मुझे तो ये भी बहुत टेस्टी लगा और इवन दो हेल्दी भी। जब मैंने इसे खाया तो बिल्कुल लगा नहीं कि मैंने इसे शैलो फ्राई किया। इस तरह से ढक के और फिर बीच बीच में पलट के बनाते रहे और बन गया है मेरा ये बॉल्स। अब इसे हम सर्व करेंगे और ये देखिए कितना गोल्डन ब्राउन लग रहा है, इतना क्रिस्पी बना है। मैं आपसे बता नहीं सकती, इसे किसी भी चटनी के साथ सर्व करें, धनिया की चटनी के साथ, टमाटर सॉस के साथ, बहुत अच्छा लगेगा। और बच्चे भी इसे बड़े ही इंटरेस्ट के साथ खाएंगे, उन्हें भी बहुत टेस्टी लगेगा। ये चाय के साथ शाम का बहुत ही अच्छा नाश्ता है, जो बहुत ही झटपट बन जाता है और बहुत ही अच्छा हेल्दी ऑप्शन है, बहुत ही डिलीशियस है। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है। तो फिर मिलते हैं हम एक और नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।